इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को यह बताएंगे कि जो TLM होती है, जैसे प्राथमिक विद्यालय में 6 to 8 या 1 to 5 क्लास, 5th क्लास तक के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि उनको TLM किस तरह से यूज करना होगा और TLM का हमारे लिए और टीचर के लिए क्या क्या उपयोगी हो सकता है। जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको एक एक करके दिखा रहा है, ये मात्राएँ हैं इस TLM के माध्यम से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन सी मात्राओं से क्या क्या बना हुआ, वो TLM बना हुआ है। आप लोग अपने बच्चों के लिए इस तरह से अपने स्कूल में बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे पेज पे आता है कि वेजिटेबल नेम इन इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में, सभी तरह से इनके TLM बनाए गए हैं। जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, आलू यानी कि टोमेटो, उसके बाद हिंदी में बोलते हैं आलू, उसके बाद आलूकम, इसी तरह से वेजिटेबल्स नेम हो जाएंगे। हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। उसके बाद आती है चौपाई, राम नाम जपत है अति मत गुमसाए, अंक ते हो नहीं हो ये सब यहाँ, यानी ये सब उनके नाम लिखे जाते हैं, जैसे राज्यों के नाम, राजस्थान, महाराष्ट्र, नाग, राम नाम, यानी कि सभी राज्यों का नाम अगर आपको याद कराना बच्चों को, तो इस चौपाई के माध्यम से उनको आप सारे राज्यों का नाम याद करा सकते हो, भारत के सभी राज्यों का, राजस्थान, नागालैंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, असम, बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हिमाचल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। ठीक है जी, इस तरह से फिर ये है प्रत्यक्ष क्या होती है, प्रत्यक्ष में क्या क्या यूज होती है, ममता, एकता, ये सारी TLM भी इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप लोग कोशिश करिएगा मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये है जो दिशाओं का ज्ञान कराना हो तो किस में TLM, किस तरह साउथ, इंडियन, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का भी पहचान इस TLM के माध्यम से कर सकते हैं। ये स्क्वायर की पहचान, स्क्वायर करते हैं उनका स्क्वायर क्या होगा, उसको कैसे सिखाना होगा, जिसमें थोड़ा TLM का मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चे उसको अट्रैक्टिव हो, जिससे उनको सीखने सिखाने में थोड़ा उनको सहायता मिल सके। जैसे देखिए प्लास्टिक, इसमें क्रॉफ्ट स्किल का काम किया गया है, आप लोग देखिए इसमें स्वर कितने हैं सारे लिखे गए हैं। उसके बाद संख्या, ये संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, सारी जानकारियाँ आगे हैं। इसके बाद एक्शन वर्ड क्या, सी वी, देखना, सुनना, घूमना, टहलना, ये सारी चीज़ें, रीडिंग, ये हैं सब मिलेंगी। उसके बाद आगे है टीचिंग ट्रिक एक्शन, इस सारे में आप किस तरह से कैसे आपको टीचिंग गैप पकड़ना, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई है TLM है इन बच्चों के लिए, ताकि इनको ये सिखाया जा सके कि कैसे कार्य को करना होता है। उसके बाद मुहावरे की मधुमक्खी, ये TLM बनाया गया है मधुमक्खी की बारे में। उसके बाद अगले में है अवरोही क्रम क्या है, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे की तरफ, अगर अवरोही क्रम क्या होती है, अवरोही क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 अवरोही क्रम, देखो कितना अच्छा है। अगर आप TLM यूज़ करोगे तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा उनको देखने के लिए। और ये पेड़ है, पेड़ में स्वतंत्र प्रतंत्र, मतलब अनुलोम विलोम की बात की गई, अच्छा बुरा, दिन रात, अंधकार प्रकाश, उथल, ये अनुलोम विलोम सिखाने का एक अच्छा तरीका है। और इस तरह से भी आप बना सकते हो दूर पास, ये भी अनुलोम विलोम का एक पार्ट है। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और जो भी नई जानकारी के लिए हमारी PDF इसमें हम पोस्ट कर देंगे, PDF भी आप देख सकते हो। उसके बाद संख्या रेखा की मदद से घटाना, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे उसके माध्यम से, ये बोर्ड क्विज बोर्ड है, विटामिन, इसमें आप बोर्ड के माध्यम से पढ़ा सकते हो, विटामिन ABCDEF किससे क्या कमी से क्या होती है, ज्ञान इंद्रियों का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। आप इसको भी आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं, हमारी जीभ, नाक, कान, त्वचा। उसके बाद विषय है संस्कृत, संस्कृत के बारे में जो हमें यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपको दिखाया जा रहा है, यातायात की पहचान करना है। उसके बाद A to Z अगर बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाना है तो इस तरह से TLM उनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रूट्स नेम किस तरह से बनाया गया, देखिए कितना सुंदर TLM बनाया गया, जिससे सभी को सिखाने में आसानी हो। उसके बाद शेप्स, मैं गणित हूँ, आयत, वर्ग, अर्धवृत्त, त्रिभुजी है, ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड कैसे बनती है, मतलब ठोस से द्रव कैसे, द्रव से भाप कैसे बनता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे बनती है, उसका उदाहरण अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आएगी। और ये है माचिस की आकृतियों द्वारा, माचिस की तिलों द्वारा आकृतियों की पहचान कराना,
उसके बाद वजन के बारे में यहाँ किया गया, किलो, हेक्टो, डेसा, डेसीमीटर, ये सारी जानकारी बच्चों को सीढ़ियों के माध्यम से उनको सिखा सकते हैं। उसके बाद आ गया है अम्ल क्षार, यानी क्षारीय अम्लीय क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया। संख्या प्रवर्तक, संख्या अपवर्तक, अपवर्तकों की संख्या, उसके बाद अपवर्त है, इसमें अलग अलग सिखाया गया है जो कि आपकी ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही है। मैं इसलिए शॉर्ट में दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं फटाफट आपको बता रहे जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो सके। आप और अधिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आ करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को अगर स्थानीय मान के ज्ञान कराना हो तो उसके लिए ये देखिए कैसे बना हुआ है। ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में भी जिक्र किया गया है। उसके बाद फ्लावर्स नेम, इनके फ्लैश कार्ड भी बना करके आप इनको सिखा सकते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स, इस तरह से हम जो है सभी को सिखाने में मदद कर सकते हैं। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है, ये सारी जानकारी है इसके वीडियो के बाद। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को बाय बाय।